Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। रामपुर आजम खान का गढ़ है। एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए यहां उपचुनाव कराए गए थे। उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने रामपुर में समाजवादी पार्टी के असीम रजा को हरा दिया। रामपुर में बीजेपी की ये पहली जीत है। रामपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ दशकों तक आजम खान का कब्जा रहा। महज 32 साल की उम्र में आजम खान यहाँ से पहली बार विधायक बन गए थे। 1980 से लेकर 2022 तक आजम खान यहां से 10 बार विधायक चुने गए। इस दौरान आजम खान एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा भी गए। यहां आजम खान का दबदबा किस हद तक कायम है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि 2017 और 22 में प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी रामपुर में नहीं जीत सकी थी। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिरकार आकाश सक्सेना कौन है जिनकी बदौलत रामपुर में पहली बार कमल खिला है। आकाश सक्सेना कौन है? आकाश सक्सेना पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन वो जिस परिवार से आते हैं उसका राजनीति और बीजेपी से संबंध है। उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना को बीजेपी के शुरुआती सदस्यों में से एक माना जाता है। शिव बहादुर सक्सेना स्वार सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की सरकार थी उसमें शिव बहादुर सक्सेना मंत्री भी थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिव बहादुर सक्सेना को आजम खान के खिलाफ उतारा था, लेकिन वो 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। 2022 में बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया और वो भी आजम खान से 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। यूपी में इस साल जब चुनाव हुआ तब आजम खान जेल में बंद थे। 46 साल के आकाश सक्सेना ने 12वीं तक पढ़ाई की है। उनके एफिडेविट के मुताबिक वो अपना कारोबार करते हैं और उनके पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। आकाश सक्सेना वही शख्स है जो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मामलों में शिकायत करता है। आजम खान से वोटिंग का अधिकार भी उनकी छीना है, वो आकाश सक्सेना ही है। आकाश ने पिछले महीने चुनाव आयोग को अर्जी देकर आजम खान का नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने की मांग भी किया था। आजम खान को इसी साल अक्टूबर में MPMLA कोर्ट ने हेट स्पीच को दोषी मानते हुए 3 साल कैद और 2000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसलिए आकाश सक्सेना ने उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने की मांग की थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द होती है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाता है। इसके अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में भी आकाश सक्सेना ही शिकायत करता है। आकाश सक्सेना ने यह आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था कि अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग बर्थ डेट और सर्टिफिकेट हैं। एक सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला की बर्थ डेट 1 जनवरी 1993 है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990 है। इस मामले में दिसंबर 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन ऊपरी अदालत ने अयोग्यता के फैसले को बरकरार रखा था। अब जान लेते हैं कि आखिरकार रामपुर में सियासी गणित क्या था। रामपुर मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ करीब 60% आबादी मुस्लिम है जबकि 40% हिंदू है। 1980 में पहली बार आजम खान यहाँ से विधायक बने थे। तब आजम खान जनता पार्टी सेक्युलर के नेता थे। 4 दशकों में सिर्फ 1996 में ही एक ऐसा मौका था जब कांग्रेस के अफरोज अली खान ने आजम खान को मात दिया था। रामपुर में पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के फजल उल हक यहाँ से विधायक बने। 1952 से अब तक कभी भी कोई यहाँ हिंदू उम्मीदवार नहीं जीत सका था। आकाश सक्सेना न सिर्फ रामपुर से बीजेपी के पहले विधायक हैं बल्कि हिंदू विधायक भी बने हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आकाश सक्सेना के बारे में। बाकी इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।